हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम गेट 2019 का मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर पढ़ रहे थे। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 31 में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है अपने पास, लेट द जनरल इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो जनरल इंटीग्रल है वो है 2x - 1 डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जेड माइनस 2x² डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2x - yz बी गिवन बाई एफ यू वी। यानी इसे इंटीग्रेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका जो इंटीग्रेशन है वो इस तरह से जाता है एफ यू वी इक्वल टू 0, वेयर एफ जो है वो आर स्क्वायर से आर में कोई कंटिन्यूसली डिफरेंशियबल फंक्शन है। आर इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड आर स्क्वायर जो है वो एक्स वाई यानी इस तरह से पॉइंट्स हैं, बोल सकते हैं हमको। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यह फॉलोइंग ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा जो ट्रू होगा। उनमें ऑप्शन है यू बराबर x² + y² + z, वी बराबर xz + c, यू बराबर x² + y² - z, या xz - c, या x² - y² - z, या वी बराबर yz + x, और डी ऑप्शन है x² + y² - z, और वी बराबर yz - x। तो फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। वो टेक्निक क्या हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चनों के लिए, पर्टिकुलर इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए हम जेड बराबर पुट करें। जेड बराबर मतलब इस फंक्शन को एज ए सी कॉन्स्टेंट पुट करें, इसको भी सी वन या कॉन्स्टेंट के इक्वल पुट करें, और उसके बाद हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालें, डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालें, और इस इक्वेशन में पुट कर दें सभी के लिए। हमारे पास सारे इक्वेशन के लिए इन इक्वेशन को सी के बराबर पुट करके डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालें, और फिर उन डेल जेड अपॉन डेल एक्स को जैसे फर्स्ट के लिए चेक करें, और उसके लिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करके देखें, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो हम उस कंडीशन में कह देंगे कि ये सॉल्यूशन है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। और सिंपली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो करने का मेथड भी बता देता हूँ। बाय लैग्रेंज इक्वेशन। लैग्रेंज इक्वेशन क्या कहती है फ्रेंड्स, अगर लैग्रेंज इक्वेशन कहती है इस तरह का कोई फंक्शन है तो उसका सॉल्यूशन हम इस तरह से निकालते हैं, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर, इस फॉर्म में हम लिख के उनको सॉल्व करते हैं और फिर कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, यही क्या हमने इस फॉर्म में लिखा है, डी एक्स बराबर x 2x - 1, डी वाई बराबर z - 2x² एंड डी जेड बराबर 2x - yz। अब फिर से हम ऑप्शंस में देखते हैं, तो ऑप्शंस में हमारे पास क्या पता चलता है, यहाँ से देखने पर यह पता चलता है कि हमारे पास x² y² + z यानी, या फिर x² y² - z, इस तरह से कुछ टर्म्स बनी हुई है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से x² कब आएगा, सभी में x² है, तो x² कब आएगा जब x dx का इंटीग्रेशन हो, y² कब आएगा जब y dy का इंटीग्रेशन हो, और dz कब आएगा जब जे ओनली इसका इंटीग्रेशन हो। बट जब यहाँ से देखते हैं तो x का इंटीग्रेशन होगा तो x² / 2 आएगा, यहाँ का y का इंटीग्रेशन होगा y dy का, तो y² / 2 आएगा। तो z के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 1/2, इस तरह से चाहिए कि इस नीचे हो, तो हमने ये क्या है 1/2 यहाँ पर पुट कर लिया x dx। फिर उनकी हेल्प से हमने x का मल्टीप्लाई इसमें किया, y का मल्टीप्लाई इसमें किया, और z इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, उनको सिंपली रख दिया हमने फ्रेंड्स। उसके बाद हमने देखा साइन, ये साइन पुट करने के लिए हमने यहाँ तक साइन नहीं रखे। उसके बाद साइन रखने के लिए हमने देखा किस तरह से ये 0 बनते हैं, तो 0 बनाने के लिए हमने इसको सिंपली सम किया था, उस प्लस करने पे 0 बन जाते हैं, तो इस तरह से ये 0 हो गए। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो x dx + y dy + 1/2 dz = 0, ये इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ से ये इक्वेशन इम्प्लाई करते हैं कि x dx + y dy + 1/2 dz = 0, तो इसको सॉल्व करने पर x² / 2 + y² / 2 + 1/2 z = c1, तो x² + y² + z = c1, या u बराबर क्या आ गया हमारे पास, x² + y² + z, ये u बराबर आ गया। तो फिर हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब जब फ्रेंड दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए तो हम दो ऑप्शन पे चर्चा करते हैं, वो है हमारे पास सी एंड ए। और सी एंड ए क्या कह रहे हैं, या तो वाई जेड जो बी है वो एक्स जेड प्लस वाई होगा, या बी
वाई जेड प्लस एक्स होगा। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरा सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, अगर हम जेड डी एक्स प्लस डी वाई प्लस एक्स डी जेड करें और इसको नीचे वाले टर्म में उसी तरह से मल्टीप्लाई, जैसे इस टर्म में एक्स का मल्टीप्लाई करें, इस टर्म में कोई मल्टीप्लाई ना करें और इस टर्म में हम एक्स का मल्टीप्लाई करें और उसके बाद अगर सम करें सभी का, तो सम करने पर यह ज़ीरो आ जाता है। तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये जो फंक्शन है जेड डी एक्स प्लस डी वाई प्लस एक्स डी जेड इक्वल टू जीरो, ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ये सॉल्यूशन लिख देंगे, क्योंकि ये जो है वो एक्स जेड का डिफरेंशिएशन है। तो यू वी बराबर आ गया एक्स जेड प्लस वाई। तो फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शन कहाँ मिलते हैं हमें, एक्स जेड प्लस वाई, और दोनों हमारे ए ऑप्शन में मिलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।